आज हूल दिवस है और हूल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन बरहेट के भोगनाडीह पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शहीद सिदो कान्हू के पैतृक गांव भोगनाडीह का दौरा करेंगे और इस दौरान बरहेट के विधायक और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शहीद के घर जाएंगे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे, साथ ही विकास मेला का आयोजन भी किया जाएगा। हूल दिवस पर जैसा कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये संथाल कुल जो हुआ था 1855 में, उसी में जो अमर नायक थे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, पुलु झनू, उन्हीं के बलिदान की याद में ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर प्रायः जो माननीय मुख्यमंत्री उनकी शिरकत होती है, इस वर्ष भी कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार भी मौजूद रहेंगे और उसी क्रम में सभी व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया गया है। सारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम के आदेश कंसर्न ऑफिसर्स को दे दिए गए हैं। सभी मैजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग भी कल प्रातः अनुमंडल अधिकारी के द्वारा की जाएगी, तो सभी तैयारी। और सहयोगी सनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, हूल दिवस को लेकर कार्यक्रम की तैयारी की गई है, बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर्स लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर किस तरह की व्यवस्था वहां पर? जी रश्मि, पहले बता दूं आपको कि इस बार का जो हूल दिवस है वो कुछ अलग दिखेगा, इसलिए कि हेमंत सोरेन जस्ट जेल से निकला है और मुख्यमंत्री आ रहे थे, वो भी आ रहे हैं और कुछ जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता में काफी जोश है जिसको लेकर के चलो हेमंत जी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और जो तस्वीरें वहां से अभी आई है, होर्डिंग्स बैनर्स लगाए गए हैं, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तस्वीर है, मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन, साथ ही कल्पना सोरेन की तस्वीर भी इस पोस्टर पर लगाई गई है। जी 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 जी, जी आपको बता दूं कि सिर्फ बरहेट नहीं, आपके बरहेट क्षेत्र में जो भी जगह पड़ रहा है, सारी जगह में जो होर्डिंग और पोस्टर बैनर कर दिया गया है। और पहले भी बताया है कि कार्यकर्ता यही से एक नारा निकले थे जी, कि जेल का तारा टूटेगा हेमंत छूटेगा, वो नारा साकार काफी जुटते हैं। जी बिल्कुल सनी, इसके साथ ही क्या प्रशासनिक व्यवस्था है वहां पर, चूंकि आज परिसंपत्ति का वितरण भी किया जाना है मुख्यमंत्री की तरफ से? जी जी रश्मि, मैं बता दूं कि यहाँ की स्थिति जो है, कल से ही यहाँ पे जो है आपको पूरा प्रशासनिक व्यवस्था को पूरा टाइट कर दी गई, चप्पे चप्पे पुलिस दे दी गई और कार्यकर्ताओं में काफी भीड़ है, जो आशा किया था इन लोगों से कहीं अधिक भीड़ आ रहा है, जिसके कारण की पुलिस व्यवस्था बहुत ज्यादा टाइट। चलिए बहुत शुक्रिया सनी आपका तमाम जानकारी के लिए।